नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। भावांतर योजना का शुभारंभ करने पहुंचे रुस्तम सिंह। योजना का शुभारंभ मौके पर एक किसान सभा को संबोधित करने के लिए जैसे ही रुस्तम सिंह मंच पर पहुंचे तो वहां पर किसानों ने उनके विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए और हंगामा खड़ा कर दिया। किसान उनकी फसलों का सही मुआवजा न मिलने से परेशान थे, जिसे लेकर उन्होंने आंदोलन किया। पूरे समय में नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा किसानों को समझाते हुए नजर आए, पर वे मानने को तैयार नहीं थे। बाद में बमुश्किल प्रशासन ने पुलिस की मदद से आक्रोशित किसानों को शांत किया, तब कहीं जाकर कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो पाया। हमारे सभी विशेष अतिथि महोदयगण से कृपया आज के इस मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत इस किसान सम्मेलन का विधिवत दीप प्रज्वलित। हमारे सभी विशेष अतिथि महोदयगण से कृपया आज के इस मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत इस किसान सम्मेलन का विधिवत दीप प्रज्वलित तस्वीर पर माल्यार्पण कर अपने कर कमलों से इसका शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, किसान बहुत परेशान है, बच्चे भूखे मरने की कगार पे हैं। अगर किसान के पास कुछ नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है। किसान बहुत परेशान है, हर किसान के लिए नमस्ते। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज एक दिवसीय सेमिनार एवं जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के 20 जिलों में रह रहे बंधुआ मजदूरों की हालत एवं दशा पर प्रकाश डाला गया और यह भी तय किया गया कि वास्तव में मजदूरों को मजदूरी सही दर पर भुगतान हो रहा है या नहीं, कहीं उनका शोषण तो नहीं हो रहा, या जो शासन की योजनाएं उनको मिल पा रही हैं या नहीं। यह भी बताया कि शासन की जो न्यूनतम वेतन मजदूरी निर्धारित की गई है वो भी उन मजदूरों को मिलती है या नहीं। मकान बनाने वाले, खेतों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों और उनकी हालत के बारे में विचार विमर्श किया गया। स्वामी अग्निवीर फोन से संबोधित करना चाहते थे, अभी उनसे बात भी हुई है लेकिन वो अभी किसी मीटिंग में उपस्थित हैं। उनके साथी ने आज ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से पूरे हिंदुस्तान में 20 जिले जो है तय किए गए हैं, उसमें ये तय किया जा रहा है कि वास्तव में मजदूरों की ये 20 जिलों में क्या हालत है। तो हम लोगों को ये पता लग रहा है कि सरकार की जो योजना है, जो न्यूनतम वेतन आयोग है, उसकी जो न्यूनतम वेतन मजदूरी है मजदूरों की, वो उनको नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो योजना है सरकार की कि निर्माण मजदूरों को ये मिलना चाहिए, निर्माण मजदूर को वो होना चाहिए, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, उनके निर्माण कार्ड बनना चाहिए, तो ये लागू जरूर हो रही है, कार्ड बन जरूर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी पैसा उनको मिल नहीं पा रहा। करोड़ों रुपए गुना के अंदर पड़ा हुआ है। नगर पालिका का जो सेस है, एक पैसा का जो सेस लगता है, एक रुपया जो निर्माण कार्य होते हैं, वो पैसा नगर पालिका लेबर ऑफिस को जमा नहीं कर रही, मतलब कल्याण योजना में जमा ही नहीं कर रही 2003 से। ये स्थिति बनी हुई है, तो मजदूरों को पैसा मिले कहाँ से, लोगों की जो मजदूरी कहाँ से मिले। जितने ईंट भट्टा है, कैसर मशीनें हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, आपके जो दुकान है, बड़े बड़े यहाँ कारखाने हैं, उनमें भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। वहाँ पर कोई 150 रुपये में काम महिला को ले जाते हैं, कहीं कटाई के मामले में 150 रुपये में ले जाते हैं, 100 रुपये में ले जाते हैं, यानी पूरी तरह जो है न्यूनतम वेतन जो अधिनियम है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मध्य गवर्नमेंट में जो लागू किया है, वो कहीं भी लागू नहीं है। कम पैसों में ज़्यादा काम कराते हैं, 8 घंटे काम की जगह 10-12 घंटे काम कराते हैं, बिल्कुल पूरी तरह बंधुआ बना के रखते हैं। मुंगावली
के बर्खास्त प्रोफेसर अहिरवार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक और बच्चियों के लिए सांसद निधि से बेंच और डेस्क बनवाना प्रचार के लिए भारी पड़ गया और उन्हें निलंबित किया गया, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठन एवं कांग्रेस समय समय से सक्रिय है। इसी तारतम्य में कांग्रेस की जिला प्रकोष्ठ ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मांग की कि जल्द से जल्द उनका निलंबन बहाल किया जाए। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा ने बताया कि भाजपा की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि इस प्रकार का काम सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है। नगर निगम के पार्षद चुने होने थे, उसके अंदर 3-5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए, 70 पार्षद मुख्यमंत्री के मुंह पे तमाचा झाड़ते हुए कांग्रेस के उसके जनता ने चुना। अंत वही नहीं हुआ, उसके बाद उसके युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नंबर एक, श्री पी एल अहिरवार का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो, क्योंकि उनके पक्ष रखने का मुंगावली के शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य श्री बी एल अहिरवार जी का मध्य प्रदेश सरकार ने और मुख्यतः उसमें जिनकी भूमिका रही है गुना जिला के प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया का, उनको निलंबन करने का एक जो कुत्सित प्रयास किया है उसके विरोध में आज ये ज्ञापन दिया गया है। हमारा आम नागरिकों के साथ में ये मानना है कि श्री पवैया और उनके मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहते कि किसी भी क्षेत्र का विकास हो, और जिस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति विकास के लिए आवाज़ उठाता है या विकास में मदद करता है वे सदैव उसके साथ इसी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका ताज़ा तरीन उदाहरण एक दलित वर्ग से जुड़े हुए प्राचार्य श्री बी एल अहिरवार जी भी हैं। बी एल अहिरवार जी को जिनको कि पुरस्कृत करना चाहिए था, क्योंकि वे एक साथ दो महाविद्यालयों को संभाल रहे थे, शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके सहयोगी जयभान सिंह पवैया को ये बात ठीक नहीं लगी। उन्हें ये भी ठीक नहीं लगा कि जो बच्ची हैं जिन्हें लाडली लक्ष्मी कहते हुए मुख्यमंत्री नहीं अगाते, वो लाडली लक्ष्मियाँ जिस समय धरती पे बैठ करके अपना अध्ययन कर रही थी, उनके लिए प्राचार्य महोदय ने सांसद श्रीमान सिंधिया के सांसद निधि के माध्यम से फर्नीचर की सुविधा और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाया था। और ये प्रयत्न केवल यहीं दूर अंतिम नहीं रहे, इससे पहले चाहे मंदसौर की घटना रही हो किसानों की हत्याओं की, चाहे टीकमगढ़ में अर्धनग्न करके किसानों पर अत्याचार का मामला रहा हो, ये लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन ऊपर से लेकर नीचे तक खिसक रही है, और जमीन खिसकने के कारण भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के उलझुल निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री रुस्तम सिंह ने आज माना कि मध्य प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, साथ ही उन्होंने जितनी भी कमियां मध्य प्रदेश में हैं उन सब का ठिकरा कांग्रेस सरकार के माथे फोड़ दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान रुस्तम सिंह ने कहा कि प्रदेश में वाकई चिकित्सकों की बहुत कमी है, इसका मुख्य कारण है कांग्रेस। उन्होंने ये भी कहा कि पीएसी से 1900 चिकित्सक मांगे गए थे, किंतु 60 ही मध्य प्रदेश को मिल पाए। वहीं मुंगावली के प्राचार्य के निलंबन की बात को उन्होंने एक प्रशासनिक प्रक्रिया बताया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति होने से उन्होंने साफ नकार दिया। साथ ही मुंगावली में होने वाले मध्यवर्ती चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता सदैव चुनावों के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। भाजपा तो हमेशा तैयार रहती है, पहले से ही तैयारी मानसिक रूप से तैयारी थे। जब विधायक जी का असमय निधन हुआ तो ये जानते थे कि चुनाव होना है, तो हमारी तैयारियाँ पहले से थी वहाँ और पूरी तरह से तैयार है। चुनाव वाले नहीं प्रचार प्रसार का प्रयास किया गया तो तरीके से कर नहीं पाए, या गतियाँ हुए हैं और प्रदेश को जो है बेहतर 4-5 ही जिले हैं, दसवारा जिले हों उनमें से एक जिला अपना होना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन किसानों ने अपने जमीन के कराए हैं, खेती को लेकर कराए हैं, ऐसा है कि यहाँ पर वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि अभी हाल ही में लॉन्च उतना आने वाले रबी की फसल होगी, खरीफ के बाद रबी की फसल जो आने वाली है तब इसका पूरी तरह से लाभ किसान पाएंगे।
अगली साल बहुत बेहतर पाएंगे और अभी भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और जो मकसद है सरकार ने आम मान्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का आया किया इसी मॉडल को उनके अधिकारी आज देखे गए आने वाले समय में ये भावांतर वाले मामले में भी तमाम प्रदेशों को लेकर मध्य प्रदेश में और जनहित बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम और वो हो ही उसमें कोई प्रभारी मंत्री का कोई विशेष अलग से कोई रोल होता हो ऐसा मैं नहीं मानता। जांच करने वाली एजेंसी जांच करती और इंडिपेंडेंट जांच करती है। जैसे संजीदा वरिष्ठ जो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं राज्यसभा के सदस्य वो कोई बात कह रहे हैं तो सरमुंदगी से कहेंगे ऐसा हम लोग मानते हैं। कांग्रेस और तो कुछ करती नहीं ना, विश्वसनीयता खत्म हो गई, आपसी विवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो पब्लिक का ध्यान आकर्षण करने के लिए कोई ना कोई इस तरह के जो कार्य करते रहते हैं ये उचित भी नहीं है। जनता की समस्याओं को आप विपक्ष का जो उत्तरदायित्व उसका विरोध करें स्वागत है, लेकिन किसी भी चीज़ को ऐसा मुद्दा बनाकर आप चाहें कि चुनाव की बेहतर में उतर जाएंगे तो ये तो आज की जनता बहुत जागरूक हो गई, वो जानती है कौन कैसियत हो रही है, कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ये सब चीज़ समझने ये उचित नहीं है। बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों से कोई लाभ उम्मीद नहीं करना चाहिए। किसान सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह। वहीं किसान सम्मेलन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भावांतर योजना का भुगतान करना था। उक्त कार्यक्रम नानाखेड़ी स्थित मंडी में रखा गया। इस कार्यक्रम के आयोजक इतनी भीड़ भी न जुटा पाए कि कुर्सियां भरी जा सकें। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए लगे लोग सिर्फ उतनी ही भीड़ जुटा पाए जो मंत्री जी के सामने कार्यक्रम के दौरान बैठी थी। कार्यक्रम के दौरान रुस्तम सिंह ने भावांतर योजना का भुगतान भी किया। वहीं वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री के संदेश भी किसानों को सुनाया गया। इस किसान सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने भाजपा के स्थानीय विधायक पन्नालाल शाक्य, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान, कलेक्टर राजेश जैन एवं शहर के नए SP निमेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे। गोदाम भर गए, खरीदने के लिए जगह नहीं बची, बारदाने नहीं बचे, ये वही किसान थे। फसल बीमा गुना जिले के किसानों को मिला 2016 की खरीफ फसल का। इसके पहले 3 महीने पहले 70 करोड़ रुपए की राशि 2015 हुआ कि जिन भी किसान ने अपने नामांकन करवा दिए हैं उनके पास नंबर नहीं है, उनके नाम सभी नामांकन प्रक्रिया में शामिल है और उनको मुख्यमंत्री भावांतर योजना किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले इसके लिए एक अभिनव योजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई है। आपको जानकारी है कि गेहूं, चना, धान, अन्य इन फसलों का उपार्जन किया जाता है किंतु खरीफ की जो दलहन और तिलहन फसलें हैं उनके उपार्जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यदि किसान का कम मूल्य पर कोई MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कम मूल्य पर अगर उसकी उपज बिकती है तो उतनी राशि भावांतर के रूप में संबंधित कृषक के खाते में जमा करवा दी जाएगी। इसके लिए 11 सितंबर से 15 अक्टूबर तक नामांकन हुए हो रहा है और पूरे प्रदेश की जनता खुरई के कार्यक्रम को देख रही है और यहीं से मुझे सुनेगी, इसे खुरई की आवाज है। तो मेरा आत्मनिवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार लोक हितकारी सरकार है, जनहितकारी सरकार है। हमारे एक बात के कहने मात्र से 40 करोड़ समान दे दिए 20 गुना में और 20 हजारों में। अभी कल ही कर रहा हूँ रात दोपहर में 7 नल जल योजनाओं की शुरू
विधानसभा में 40 अपने 7 मंडल की योजना स्वीकार हो गई है। एक बात कहते हैं, पूरा काम हो जाता है, कोई भी व्यक्ति उनसे कहीं भी मिल सकता है। अब नंबर किताब तो अपने मंत्री मंत्री जी बताइए आपको ऐसी योजना है जो किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। इस महत्वपूर्ण किसान है करके किसानों की फसल की कीमत को उचित दाम बनाने की इस व्यवस्था के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके लोकप्रिय विधायक भाई मनलाल साकी जी। अचानक तबीयत बिगड़ने से एक 16 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, सदमे में परिवार। सुदनगढ़ की भोपाल रोड के धक्कापुरा की रहने वाली अर्चना की तबीयत अचानक रात में बिगड़ गई, जिसको देखते हुए उसके परिजन इलाज कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर बच्चे की बिगड़ती हालत को देखकर उसे तुरंत गुना रेफर किया गया। गुना चिकित्सालय में इलाज के दौरान उक्त बच्ची की मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार सदमे में है। अभी तक यह समझ में नहीं आया कि आखिर बच्ची को हुआ क्या था। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ में भारतीय किसान संघ के बैनर तले मकसूदनगढ़ तहसीलदार को दिया ज्ञापन। किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर दिया गया उक्त ज्ञापन, जिसमें भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता एवं किसान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का शुभारंभ आज मकसूदनगढ़ के मंडी ग्राउंड में हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसानों ने इस सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं टीवी के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भाषण लाइव किसानों को सुनाया गया। जो यूरिया का उपयोग करती थी वो नीम प्रोटीन हो जाने के कारण नहीं कर सकी और किसानों को यूरिया डिजिटल सोयाबीन के हिसाब से किसान के खाते में डाल देंगे। अगर वो 2400 निकला तो 650 डाल देंगे, वो 2300 निकला तो 750। हमारे किसान भाइयों से जो 5000 के आसपास हमारे किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उन किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि अपना जो पंजीयन नंबर और मोबाइल नंबर और खाता नंबर सही दे, और उसके बाद जो सभी अलग अलग जो राज्यों का और यहाँ का मिलाकर जो भावांतर योजना का जो भाव रखा है 3050, उसके अनुसार हमारे किसान भाइयों को भुगतान होगा। और साथ ही साथ क्योंकि RTGS के माध्यम से भी 24 घंटे के अंदर उनके पास उनके खाते में राशि उनकी पहुँचेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा ये करी कि 50,000 तक की हमारे व्यापारी लोग हमारे किसान भाइयों को 50,000 तक नगद दे, उसकी वजह से अपने परिवार को चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हमारे किसान भाइयों को परेशानी ना आए। और उसी के साथ उन्होंने एक जो आज नई घोषणा और करी है, हमारे किसान भाई के जो बच्चा बेटा बेटी है कोई भी अगर रोजगार के लिए उनको अगर लोन चाहिए तो उसके लिए सरकार गारंटी देगी, 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की राशि, मतलब सरकार की गारंटी के तहत हमारे किसान भाई के बेटा बेटी को भी मिलेगी। ये भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान के हित में करी है। साथ ही किसान के हित में चाहे सोलर पंप हो, जैसी ढेरों जनकल्याणकारी योजना सोसाइटी के माध्यम से जो पहले एक जमाने में 18% ब्याज लगता था कांग्रेस सरकार के ज़माने में, उसको ब्याज को 0% तो किया ही है, साथ में 10% की छूट भी दी है। और आज नीम कोटेड खाद लाकर हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी एक राहत और किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। नहीं तो एक जमाना था कि किसान भाई लाइन में लगे रहते थे, डंडे खाते रहते थे, आज समय से पहले भले खाद ला के रख लो। हर क्षेत्र में किसान के हित में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बहुत बड़े निर्णय लिए और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही समय पर किसानों को ये सौगात दी है।
ये 16 तारीख से आज से इसका शुभारंभ हुआ। पूरे प्रदेश की कृषि मंडियों में हमारे किसान भाइयों ने सुना भी, और किसान भाई इस बात को लेकर उत्साहित है कि मुख्यमंत्री जी एक किसान के बेटे हैं और किसान के हित में बहुत सारे ऐसे निर्णय लेते हैं जो सीधे सीधे किसान से जुड़े होते हैं और किसान के हित में होते हैं। आज प्रकृति कोई भी आपदा आ जाए तो किसान के लिए, चाहे वो सांप कीड़े से सता ले या करंट के द्वारा हर किसान की मौत हो जाए और क्या बिजली गिरने से, तो आज किसान को 4 लाख की सहायता मिलेगी। इतनी बड़ी पहले कभी इस तरह के किसान को, इतनी बड़ी उसके परिवार को सहायता नहीं मिलती थी। आज हर क्षेत्र में, किसी के क्षेत्र में आज हमारा किसान आगे बढ़ा है। आज हमारे किसी करवरपुर का रोजगार से भी अगर हमारी सरकार को नवाजा गया तो किसान की मेहनत की वजह, इसलिए सरकार आज इतने निर्णय किसान के हित में ले रही। किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगी, आपको सबको दीपावली की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ किसान भाइयों को इस बात का बधाई है कि आज प्रधानमंत्री योजना के तहत आज वो जुड़ है और आज वो मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाकिर रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ में आमरण अनशन पर बैठे दिनेश शर्मा का आज अनशन टूट गया। स्थानीय विधायक ममता मीना ने दिनेश शर्मा का आमरण अनशन पानी पिलाकर तोड़वाया। आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ के मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा भ्रष्टाचार एवं प्रशासन की लापरवाही के चलते आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत आज बिगड़ गई। आज उनके अनशन का दूसरा दिन था, जब विधायक ममता मीना ने उन्हें पानी पिलाकर अनशन तोड़वाया तथा उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही जो लापरवाहियां एवं भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाएगा। आज चांचौड़ा बीनागंज कृषि उपज मंडी में मध्य प्रदेश शिवराज सरकार की भावांतर योजना का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार पूरे राज्य में किसानों के कल्याण और कृषि के क्षेत्र में बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का आज शुभारंभ हुआ। प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य शासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में पायलट आधार पर भावांतर भुगतान योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत खरीफ 2017 के समर्थन मूल्य तथा किसानों के द्वारा कृषि उपज विक्रय किए जाने पर पाए जाने वाले घोषित मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि इस योजना की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। चांचौड़ा क्षेत्र की विधायक ममता मीना ने इस योजना का मुख्य उद्देश्य बताया कि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, आने वाले समय में किसानों की आत्महत्या की दर में कमी करना है। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का उद्देश्य है कि विवादों के कई मामलों के लिए किसानों को सहायता प्रदान करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी मामलों को पहले ही रिपोर्टिंग के 90 दिनों के भीतर संबोधित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के अनुसार यदि कृषि उत्पादन की बिक्री मूल्य अधिसूचित मूल्य से अधिक है लेकिन MSP से कम है तो उनके विक्रय मूल्य और MSP के बीच का अंतर उनके बैंक खातों में सीधे जमा किया जाएगा। यदि किसान की विक्रय मूल्य अधिसूचित मूल्य से कम है तो किसानों को सूचित मूल्य और MSP के बीच का अंतर मिल जाएगा। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत आने वाली 8 फसलें हैं, जिसमें मूंगफली, राम तिल, तिल, तुअर, मक्का, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन की फसलें शामिल की गई हैं। इस योजना में फसलों का उचित मूल्य चुना जाएगा, उनके आधार पर भुगतान होगा। इस योजना में फसलों को अलग अलग किए हुए समय तक पंजीयन करना होगा। विक्रय दर की गणना मध्य प्रदेश और 2 अन्य राज्यों की विक्रय दर की औसत के अनुपात में होगी। इसके साथ ही भावांतर योजना के बारे में बताते समय बीच में लाइट चली गई से विधायक महोदय और मंडी अध्यक्ष प्रतिनिधि नाथूलाल सिंह भील कर्मचारियों पर भड़के और जनरेटर क्यों ना रखा इस बारे में काफी कुछ खरा खोटा सुनाया। हमारी ट्रॉली में ट्रॉली 2800 रुपए क्विंटल में बिकी, इस तरह से 20 ट्रॉली अगर 2800 रुपए क्विंटल की बिकी, कोई 2600 रुपए क्विंटल की ऐसे 20 ट्रॉली निकली, कोई 2400 रुपए क्विंटल की ऐसे ट्रॉली, इसको सबको मिलाकर पूरा समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। उसके आधार पे हमारे किसान भाइयों का 3050 रुपए के हिसाब से आपके बीच में विराजमान है, आप उनका जो है स्वागत करने का कष्ट करें। मैं इसी क्रम में भाजपा के मंडल अध्यक्ष भाई प्रबल प्रताप सिंह जी का ये मैं हमारे किसान भाइयों से जो 5000 के आसपास हमारे किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उन किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि अपना जो पंजीयन नंबर और मोबाइल नंबर और खाता नंबर सही दे, और उसके बाद जो सभी अलग अलग जो राज्यों का और यहाँ का मिलाकर जो भावांतर योजना का जो भाव रखा है 3050
के अनुसार हमारे किसान भाइयों को भुगतान होगा, और साथ ही साथ क्योंकि RTGS के माध्यम से भी 24 घंटे के अंदर उनके पास उनके खाते में राशि उनकी पहुंचेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा ये करी कि 50,000 तक की हमारे व्यापारी लोग हमारे किसान भाइयों को 50,000 तक नगद दे, उसकी वजह से अपने परिवार को चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हमारे किसान भाइयों को परेशानी ना आए। और उसी के साथ उन्होंने एक जो आज नई घोषणा और करी है, हमारे किसान भाई के जो बच्चा बेटा बेटी है कोई भी अगर रोजगार के लिए उनको अगर लोन चाहिए तो उसके लिए सरकार गारंटी देगी 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की राशि, मतलब सरकार की गारंटी के तहत हमारे किसान भाई के बेटा बेटी को भी मिलेगी। ये भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान के हित में करी है। साथ ही किसान के हित में चाहे सोलर पंप हो, ऐसी ढेरों जनकल्याणकारी योजना सोसाइटी के माध्यम से जो पहले एक जमाने में 18% ब्याज लगता था कांग्रेस सरकार के जमाने में, उसको ब्याज को 0% तो किया ही है, साथ में 10% की छूट भी दी है। और आज नीम कोटेड खाद लाकर हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी एक राहत और किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। नहीं तो एक जमाना था कि किसान भाई लाइन में लगे रहते थे, डंडे खाते रहते थे, आज समय से पहले भले खाद ला के रख लो। हर क्षेत्र में किसान के हित में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बहुत बड़े निर्णय लिए, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही समय पे किसानों को ये सौगात दी है। ये 16 तारीख से आज से इसका शुभारंभ हुआ, पूरे प्रदेश की कृषि मंडियों में हमारे किसान भाइयों ने सुना भी, और किसान भाई इस बात को लेकर उत्साहित है कि मुख्यमंत्री जी एक किसान के बेटे हैं, किसान के हित में बहुत सारे ऐसे निर्णय लेते हैं जो सीधे सीधे किसान से जुड़े होते हैं और किसान के हित में होते हैं। आज प्रकृति कोई भी आपदा आ जाए तो किसान के लिए, चाहे वो सांप कीड़े से सता ले या करंट के द्वारा हर किसान की उनकी मौत हो जाए और क्या बिजली गिरने से, तो आज किसान को 4 लाख की सहायता मिलेगी। इतनी बड़ी पहले कभी इस तरह के किसान को इतनी बड़ी उसके परिवार को सहायता नहीं मिलती थी। आज हर क्षेत्र में किसी के क्षेत्र में आज हमारा किसान आगे बढ़ा है। आज हमारे किसी करवरपुर का रोजगार से भी अगर हमारी सरकार को नवाजे गए तो किसान की मेहनत की वजह, इसलिए सरकार आज इतने निर्णय किसान के हित में ले रही। चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद फरार पारदी हरि सिंह को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि करीब 3 दिन पहले पारदियों और पुलिस के बीच हुई फायरिंग के बाद फरार पारदी हरि सिंह को आज धरनावदा थाना प्रभारी बलवीर सिंह मावई और झागर चौकी प्रभारी संतोष भार्गव ने खेजरा गांव से धर दबोचा, जिसके पास से 12 बोर की बंदूक और 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। धरनावदा थाना और झागर चौकी पुलिस की कार्यवाही। महावीरपुरा में चंदेल समाज ने शिव मंदिर पर चंदेल समाज की बैठक रखी गई। इस मीटिंग में जिले में समाज की जनगणना का विशेष मुद्दा रखा गया। इस मीटिंग में चंदेल समाज के जिलाध्यक्ष सहित जिले के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कितनी है और अपन कितने समाज जिले में निवास करती है, तो इसका बहुत बड़ा लक्ष्य अपने आगे रखा है। धीरे से अपन मात्र कभी गुना नगर में 37 बार जनगणना तैयार करना है। कोई किसी से नहीं बोलता, खुली बात अपन रखा है इस चीज की। हमारे यहाँ भी हो सकता हम कोई से बोले या नहीं बोले, कोई मोहल्ला जा नहीं चाहता, एक स्थानीय वहां का मोहल्ला का अपन रखें और एक अपने जिले में से कोई ऐसा व्यक्ति देंगे वो उसके साथ में जाकर के शाम के 1 घंटे का या 2 घंटे का समय दे। राधोगढ़ क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह ने आज आरोन जनपद पंचायत में एक समीक्षा बैठक ली, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की जानकारी भी ली एवं सड़क निर्माण के कार्य किए जा चुके हैं, समय सीमा में हो चुकी है और कितने सड़कों का कार्य करना है और शौचालयों के निर्माण हो, इस संबंध में भी जानकारी ली गई। सभी सरपंचों एवं कर्मचारियों को मिलकर प्रयास करना चाहिए जो सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। इस संबंध में उन्होंने कहा कि सभी सरपंचों एवं कर्मचारियों को मिलकर प्रयास करना होगा जो सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर काम करना होगा। बिजली कटौती से परेशान किसानों की समस्या का समाधान भी करने की जरूरत है। जल की समस्या का समाधान हो, इस बारे में भी प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में SDM, CMO, जनपद पंचायत के मेहरवान सिंह, मंडी अध्यक्ष मिंटूलाल जैन, उपाध्यक्ष अशोक रघुवंशी,
अध्यक्ष अमित जी, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। जहाँ पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जहाँ पर उनको टीपी नहीं मिल पाता है, वहाँ पर टीपी भी उपलब्ध है किसानों को। और उसके साथ हमने अभी 2 करोड़ का सबस्टेशन कराया है शहरों के लिए। हमारे आरोन में जब भी मैं गांव में आता था, सबसे बड़ी मांग होती थी कि हमारे ब्लॉक में 3 गांव हैं, वैसायला, महुआ कुमरी और पाटन, जहाँ अब तक लाइट नहीं पहुँच पाई। तो मैंने उनसे वादा किया था चुनाव के समय कि मैं आपके गांव में अगले चुनाव के लिए लाइट लाऊंगा, और मुझे इस बात में बहुत खुशी हो रही है। ये सब जो सूचित हुआ है 2 करोड़ का, इसका काम शायद इसी महीने चालू हो जाएगा और लगभग 4 महीने पूरा हो जाएगा। तो उससे शहरों का जो पूरा एरिया है वहां पर लाइट की जो वोल्टेज है वो भी बेहतर हो जाएगी, और जो अतिरिक्त लोड आरोन पर पड़ता था वो भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। उसके साथ पटवाड़ी हाट जो बहुत ही बड़ा एक कस्बा है, बहुत सारे गांव वहाँ से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अब तक जो सबस्टेशन था उस पर 1 डीपी 5000 केवी की थी और 1 डीपी शायद 3 या 3500 की थी, तो उसकी भी बात हो गई है। और इसी महीने वहाँ पर भी 2 डीपी 5000 केवी की हो जाएगी, जिससे हमारी तरफ भी वोल्टेज और बेहतर वहाँ पर हो जाएगा। तो उसके साथ हमने एक बहुत ही लंबी सड़क तलाइया स्वीकृत कृष्णगढ़ से होते हुए पिपोजा मेना से होते हुए उस्मान के जाए कर, क्योंकि अच्छी एक सौगात मिलेगी हमारे क्षेत्र को। और हापा खेड़ी से पनवाड़ी हाट जो एक ऐसी रोड थी जिस बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो उसका भी 15 करोड़ का टेंडर लग चुका है, अगले महीने खुलेगा और वो काम शामिल हो जाएगा, जिससे जो एक खराब पड़ी थी हमारे क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में ठीक हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं, और जो एक आखिरी में जो एक बहुत बड़ी समस्या है सिर्फ आरोन की नहीं लेकिन पूरे प्रदेश में, इस बार लगभग स्थिति सूखे की बनी है पूरे लगभग 34 जिलों में, और आरोन में कम वर्षा के कारण जो पानी का स्तर है वो बहुत घट चुका है। हमारी मीटिंग हुई इसमें अखबार के साथ से हमारे सहयोगी चंद्रेश अग्रवंशी की रिपोर्ट। किसान सम्मेलन मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत आज आरोन मंडी से। समर्थन मूल्य पर गेहूं का भाव एवं मूंगफली, चना, मक्का की फसल में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई। किसानों की फसलों की कीमत मध्य प्रदेश सरकार देगी। कुछ किसानों को प्रमाण पत्र भी देकर सम्मानित किया गया। वो आए तो मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। मंडी समिति के सचिव श्री गजेंद्र सिंह जी रघुवंशी आए, माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। माननीय विशिष्ट अतिथि जी का स्वागत करें श्री अशोक सिंह जी रघुवंशी, अध्यक्ष जनपद पंचायत। माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें श्री कृष्ण सिंह जी रघुवंशी।
हारोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। हिजियाना न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।